दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के बाद से राजनीति में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जेल से आने और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहला रोड शो किया। अपनी रैली में उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी केजरीवाल के समर्थन से ही बनेगी। उनके इस बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं, जिसमें पहला बीजेपी को टारगेट करना है तो वहीं दूसरा आपके बिना सरकार न बनने की बात कहना। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा चुनाव को लेकर केजरीवाल का माइंड गेम क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मुंह से कोई भी बात यूं ही नहीं निकलती। अभी तक केजरीवाल के लिए सभी फैसले सोची समझी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दावे के पीछे केजरीवाल ने जरूर कुछ बड़ा दाव सोच रखा है। दरअसल हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सूबे की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। इस बीच कथित शराब घोटाले में जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जगाधरी विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार का आगाज किया। अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल इस तरह के रोड शो कम से कम 10 उम्मीदवारों के लिए करने वाले हैं। इस बीच एक रोड शो में उन्होंने कहा कि आज लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी सरकार बन रही है, मैं कहता हूं आज हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। उन्होंने अपने इस पूरे रोड शो के दौरान बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वालों ने मुझे जानबूझकर झूठ केस में जेल में डाला था ताकि मैं काम न कर सकूं। इस समय दिल्ली में बिजली पानी सब फ्री है, ये इनसे देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। मेरे दुश्मन भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। दोस्तों अब चुनाव आ रहे हैं, ये सारी पार्टियां आएंगी। मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, इसलिए नहीं कि हमको सत्ता में आना है, सत्ता छोड़ के आया हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को त्याग पत्र दे के आया हूं, छोड़ के आया हूं। आज के युग में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। किसी ने मेरे से त्याग पत्र मांगा नहीं था। मैंने बोला दिल्ली वालों को कि मैं जेल से आ रहा हूं, आपके मन में अगर शंका हो कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है मेरे को वोट देना। अगर आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दोगे, मेरे को वोट देके दोबारा जिताओगे, तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा मैं। सत्ता का लालच नहीं है। आज मैं आपके बीच में आया हूं, पूरे देश में आपके इस बेटे ने, हरियाणा के इस बेटे ने, हरियाणा के इस आपके भाई ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा से निकल के दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। अब आपको कहना चाहता हूं, एक मौका दे दो हरियाणा की भी सेवा करने का। हरियाणा में भी अच्छे स्कूल बना दूंगा, हरियाणा में भी बिजली फ्री कर दूंगा, हरियाणा में भी शानदार अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। आप कहोगे कैसे बनाओगे, सरकार बन रही है क्या, पूछोगे ना? मेरा जवाब है, जो भी सरकार बन रही है हमारे बिना नहीं बन रही है। ये वाली सीट जिता दो, मेरी जिम्मेदारी है। जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। ये वाली सीट जिता दो आज आप सब। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि इन्होंने मुझे जेल में तोड़ने की बहुत कोशिश की। इन्होंने कहा कि मैं चोर हूँ, लेकिन ये मेरी ईमानदारी से डरते हैं। इनका मकसद है कि केजरीवाल पर कीचड़ फेंको, लांछन लगाओ, केजरीवाल को जेल भेज दो तो लोगों को लगेगा कि केजरीवाल ने कुछ किया होगा। इसके बाद केजरीवाल ने खुद को हरियाणा का छोरा बताते हुए कहा कि मुझे फक्र है कि मैं हरियाणा का छोरा हूँ। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। 5 महीने जेल में रहा झूठा फर्जी केस करके। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। केजरीवाल जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने, पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ।
ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल तिहार से बाहर आए हैं, तो वो कांग्रेस का नाम लेने से बचते हैं। उनका सारा विरोध बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर ही रहता है, जबकि शराब घोटाले को कोर्ट में ले जाने वाली कांग्रेस ही थी। पर राजनीति में बहुत कुछ न चाहते हुए भी करना पड़ता है। रोड शो में भी अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस बीजेपी के विरोध में ही था। उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा इस वक्त बदलाव चाहता है। जहां भी जाओ तो पता चलता है कि लोग बीजेपी को गांव गली में घुसने नहीं दे रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है। आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि हरियाणा में सत्ता की चाबी उसके हाथ आए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये बयान कि हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी के बिना नहीं बनेगी, ये एक संदेश है कि वो कुछ सीटों पर अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि वो बहुमत लायक आंकड़े भले ही ना ला सके, पर इतनी सीट जरूर आएंगी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनके समर्थन की जरूरत आ जाए। इन सब से एक बात तो साफ पता चलती है कि राजनीति में अरविंद केजरीवाल माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि कोई भी सरकार में तो बीजेपी भी शामिल है, क्या बीजेपी को भी जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी? ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटें जीत भी लेती है, तो क्या वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है? फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि हरियाणा की जनता किसे समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।